जय जवाहर संगवारी हो, स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल में। संगवारी हो, आप मन जाना तो हमर गरियाबंद जिला है, अपन प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते। यहाँ है बे ऊंचा ऊंचा वाटरफॉल और है बे एक से बढ़ के एक खूबसूरत और शानदार डैम। ऐसे ही आप मन लग शानदार डैम के नज़ारा दिखाए बार आज ले जाते वो ग्राम जोगी डिपा जो कि गरियाबंद जिला में पड़ते। तो हम चलने वाला हम ग्राम जोगी डिपा और देखने वाला हम वहाँ के खूबसूरत डैम के नज़ारा। तो बने रहो आप मन हमारे ये वीडियो में। तो संगवारी हो, मैं फाइनली पहुंच चुके हूँ ग्राम जोगी टीपा और ये तरफ आप मन देख सकते हो ग्राम जोगी टीपा के बस्ती है। हम अल्लाह वो डैम तक जाए के लिए ये बस्ती ला पार करके जाना है। बस्ती में जाए से पहले ये तरफ आप मन ला एक शिव धाम दिखाई दी जो कि तालाब के किनारे स्थित है। ये मंदिर है, हालांकि अभी वर्तमान में निर्माण हुआ है लेकिन यहाँ के शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है और येला जोगेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भक्त मन के बहुत ही भीड़ लगते, यहाँ जल अभिषेक होते। तो हम यहाँ आगे बढ़थन ग्राम जोगीडीपा के बस्ती तरफ और बस्ती ला पार करके चलथन खूबसूरत डैम तक। संगवारी हो, आप मन सामने देखा तो ये हरे ग्राम जोगीडीपा और हम यही रास्ता से आगे बढ़े हैं। हम ये रास्ता से आगे बढ़ के ये जंगल वाला रोड में जाना है। आगे सिद्ध माता कर्रा बागिन विराजमान है जंगल में, वहाँ तक जाए के लिए ये रोड हरे और बीच से ही जोगीडीपा जलाशय जाए के लिए मार्ग है वे। तो हम आगे ये रास्ता में बढ़ना है वो खूबसूरत जलाशय तक जाए के लिए। ग्राम जोगीडीपा से ये जो जंगल के बीच में विराजमान सिद्ध माता कर्रा बागिन तक जाते वो बहुत ही अच्छा है और आप मन आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो। और ये तरफ आप मन देख सकते हो अभी पूरा खेती खार के समय चला थे तो बड़ सुगर हरियाली वाला माहौल है। तो संगवारी हो, आप मन ये रोड में आओ तो आप मन आधा बीच में आए के बाद यहाँ से बांधा के जो बंधान है वो दिखना शुरू हो जाए। आप मन देख सकते हो ये हरे डैम और हम अल्लाह आगे रास्ता से जाए के बाद वहाँ से डैम तक जाए के रास्ता मिल जाए। यहाँ से डैम दिखाई देते, बहुत ही सुघर डैम है और बहुत ही बड़े डैम है। तो चलता ना मन डैम के पास, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखो। ये जो रोड है आगे जंगल में विराजमान कर्रा बागिन माता तक जाते और हम अल्लाह डैम तक जाए के लिए ये रोड चुनना है। और अभी आप मन देख सकते हो बारिश की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पानी बहत है, बाकी दिन सूखा रहते तो आप मन आसानी से पहुँच सकते हो। और ये रास्ता में लगभग 200 मीटर जाए के बाद हम यहाँ डैम तक पहुँच जाबो। तो संगवारी हो, हम ये रास्ता से फाइनली पहुँच चुके हैं ग्राम जोगीडीपा में स्थित ये खूबसूरत से जलाशय के पास। और आप मन देख सकते हो यहाँ से बंधान शुरू होते वो डोंगरी से और पूरा वहाँ तक फैले है। और ये सामने एक बोर्ड है जिसमें ये डैम के बारे में जानकारी लिखे है, आप मन इला पढ़ सकते हो। और हम चलथन ये डैम के ऊपर में और वहाँ से देखथन यहाँ के शानदार नज़ारा। संगवारी हो, मैं फाइनली पहुँच चुके हूँ जोगीडीपा जलाशय और आप मन मोर पीछे जो जलाशय देखा तो ये है जोगीडीपा जलाशय। और अभी बारिश होने की वजह से एकदम लबालब भर चुके हैं, पानी के ओवरफ्लो भी दिखत है। We'll be right back.
तो संगवारी हो, ये आप मन हाँ बंधान देखत हो, इतना लंबा है वे और पूरा तीनों तरफ से डोंगरी से घिरे हुए है। ओकर बीच में ये बंधान है और इतना पानी रोके के क्षमता है ये जलाशय में, और पानी के ओवरफ्लो के जाए के रास्ता वहाँ पास है, और पानी के निकासी के सुविधा जो सिंचाई के लिए जाते हैं वो छोर में है। तो अभी आप मन हाँ देख सकत हो, मैं हूँ बीच में और यहाँ से डैम के सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देवा थे वे। ये डैम के नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है और साथ ही बहुत ही शांत माहौल है। आप मना देखा तो तीनों ओर से ऊंचा ऊंचा डोंगरी से घिरे हुए ये डैम और लबालब पानी से भरे हेबे, और ये तरफ आप मना देख सकते हो बेहद ही खूबसूरत खेत मन के सुघर नज़ारा। अभी खरीफ फसल की मौसम चला थे तो चारों तरफ आप मन जहाँ तक देखो वहाँ तक पूरा धान की फसल दिखाई दी, और ये तरफ पूरा हरियाली वाला जंगल हेबे, और वहाँ के पानी हाँ पूरा नहर मन के माध्यम से आके यहाँ डैम में इकट्ठा होते जो कि सिंचाई, मछली पालन और अन्य काम में उपयोग में लाए जाते। संगवारी हो, आप मन हाँ देख सकत हो, अभी हो चुके हैं सूर्यास्त के समय, और सूर्यास्त के समय में इतना सुघर खेत मन के सुघर हरियाली के बीच में लबालब भरे हुए डैम के सामने बैठ के देखे के नज़ारा के मौका कभी कभार ही मिलते, और ऐसे नज़ारा मुला मिला थे। अगर आप मन भी जोगडीपा जलाशय आता हो तो आप मतलब भी ऐसे ही बेहतरीन नज़ारा देखे ला मिली। संगवारी हो, मैं हूँ डैम के बंधान के बीच में, और डैम के जो ओवरफ्लो जगह है वहाँ पे गांव के भैया मन हम मछली पकड़ा थे, और ये तरफ भी ट्यूब के सहारे जाके जाल डाला थे वे। और मैं हाँ आप मल्ला ये बंधान के लास्ट छोर में जाके वहाँ से ये डैम के व्यू दिखाने वाला हूँ, वहाँ से भी बेहद खूबसूरत दिखते, तो चलता ना मन हाँ वो छोर में। संगवारी हो, आप मल्ला जोगडीपा जलाशय की वीडियो कैसी लगी से आप मन हाँ कमेंट करके जरूर बताओ। आशा करता हूँ आप मल्ला हमारी ये वीडियो पसंद आई सही। ऐसी ही नया नया वीडियो देखे बार आप मन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलबो एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।